स्वागत है आप लोगों का दार्जिलिंग के दूसरे भाग में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। कहाँ कहाँ हम लोगों ने घूमा हुआ आप लोगों को दिखाना है। ये सुबह का मौसम है, हमारा होटल का बेलकुनी से खिड़की से बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हमारा जो होटल था उसके करीब जो नज़ारा था वो भी बहुत अच्छा था। दार्जिलिंग का हर जगह बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा दार्जिलिंग को। इतना अच्छा जगह दार्जिलिंग हम लोगों को हमारे आसपास मिला, ये शुक्र है उस ऊपर वाले की, और देखने की नसीब हुआ इसके लिए भी शुक्र है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके सब निकल गए। कहाँ कहाँ घूमेंगे चलिए हमारे साथ बने रहिए। दार्जिलिंग में बहुत सारा व्यू पॉइंट है, तो उसमें से कुछ खास खास जगह आप लोगों को हम दिखाएंगे। सब जगह तो वीडियो ले नहीं पाया क्योंकि हम लोग बहुत इंजॉय किया टूर में। अगर वीडियो करेंगे हर वक्त तो इंजॉय कैसे करेंगे। तो जो जो हमने वीडियो कर सका वो आप लोगों के लिए रेडी किया। तो चलिए आगे बढ़े। यह देखिए हम लोग उतर के फोटो ले रहे थे, उसके बाद हम सीधा निकल गए बतासिया लूप की तरफ। और ये बहुत ही खास जगह है दार्जिलिंग का एक। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा ड्राइवर का फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम। तो चलिए ये आपके सामने दार्जिलिंग का खास और खास चीज टॉय ट्रेन। जो दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन दुनिया भर में मशहूर है, आप लोगों के सामने हाजिर है बतासिया लूप में। या ये इसमें घूम भी सकते हैं आप लोग और व्यू पॉइंट शेयर भी कर सकते हैं। बतासिया लूप में हमें गुरखा ड्रेस ले लिया, वह रेंट पे मिल जाता है, बहुत ही कम रेंट में आप लोगों को मिल जाएगा। वो पहन के हम लोगों ने काफ़ी फोटो वोटो ली है, और उसके बाद इस बतासिया लूप का नज़ारा का हम लोगों ने सब ने मिलकर मज़ा लिया है। बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग ज़रूर जाएंगे। अगर दार्जिलिंग जाएंगे तो बतासिया लूप ज़रूर जाइए। और उसके बाद बतासिया के बाद हम लोग चल पड़े रॉक गार्डन की तरफ, जो उसका रोड बहुत ही अच्छा है। रॉक गार्डन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक गार्डन जाते हुए जो रास्ता हम लोगों को मिला था, यकीन मानिए मैंने तो इतना डेंजर, इतना खतरनाक रोड मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा। शायद आप लोगों ने देखा होगा, मेरा लाइफ का सबसे भयानक ये रोड था। इतना ऊपर से नीचे जा रहे, तो आखिर में नीचे उतरते उतरते हम लोगों को रॉक गार्डन एकदम पहाड़ के एकदम नीचे मिलेगा रॉक गार्डन। तो ये उतरने का रोड एकदम पूरा सीधा था और इतना डेंजर था, मेरे लिए था, आप लोगों के लिए शायद नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था भाई ये रास्ता। देखिए कितना नीचे ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, दूसरा गाड़ी हम लोग भी वहाँ से जाएंगे। बहुत ही खतरनाक रोड था मेरे लिए भाई, मेरा तो
काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग आखिर आ ही गए रॉक गार्डन। बहुत ही मशहूर जगह है दार्जिलिंग में। यहाँ काफ़ी मूवी का शूटिंग भी हुआ है यहाँ पे। आप लोग बंगाली मूवी में भी देख सकते हैं इस जगह का। पोषणजीत का काफ़ी सारा मूवी का शूटिंग यहाँ पे हुआ है। बर्फी, शाहरुख खान का मूवी, ये सब यहाँ पे शूटिंग हुआ है। बहुत ही अच्छा जगह है। आप लोग ज़रूर आएंगे दार्जिलिंग में, यहाँ नहीं आएंगे तो। बहुत ही अच्छा जगह है रॉक गार्डन। आप लोग दार्जिलिंग में आएंगे तो ज़रूर इसमें विजिट कीजिए। बहुत ही अच्छा है। और इसमें आने जाने के लिए जो रोड है उसका जो एक मज़ा है वो नहीं लेंगे तो वो डर लगता है, लेकिन फिर भी मज़ा है। देखिए वहाँ से हम लोग सब घूम के फ़ोटो वोटो लेके फिर वापस जाने लगे, तो वही रोड से हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो वो ऊपर जाने में उतना डर नहीं लगा मुझे, शायद पहली बार गया था इसलिए वो रास्ता मुझे इतना डर लगा था। ऊपर जाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो ये रोड का मज़ा लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक गार्डन से सीधा हम लोग चले गए दार्जिलिंग मॉल रोड, मॉल बाज़ार। दार्जिलिंग आएंगे तो यहाँ नहीं आएंगे तो भी आप लोगों का ये दार्जिलिंग ट्रिप अधूरा ही रहेगा। बहुत ही कल्चरल जगह है ये। ज़्यादातर यहाँ पे नेपाली लोग हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा दुकान मिलेगा आप लोगों को शॉपिंग के लिए। काफ़ी सारा दुकान है, छोटा जगह नहीं, बहुत ही बड़ा सिटी है। दार्जिलिंग का मेन सिटी यही है। आप लोग यहाँ आएंगे तो सब मिल जाएगा आप लोगों का, होटल वगैरह सब कुछ रहने का। यहाँ भी अभी आप लोग रह सकते हैं, लेकिन सीजन टाइम पे यहाँ पे होटल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ घूमने के लिए। काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, शाम का टाइम था लगभग। हम लोग यहाँ पे 4 बजे गए थे तो ऊपर जाके वहाँ पे एक उन लोगों का कुछ फेस्टिवल चल रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट से मैं भी वहाँ में कूद गया था। ये देखिए काफ़ी अच्छा जगह है। यहाँ पे भी इस तरफ उस तरफ भी एक आप लोगों का होटल मिल जाएगा, यहाँ भी आप रह सकते हैं। ये देखिए ये लाल चेक वाला शर्ट में ही हूँ, तो उन लोगों को बुलाने से मैं भी कूद गया डांस करने के लिए। डांस तो आता नहीं उन लोगों की तरह, फिर भी थोड़ा ट्राई किया, अच्छा लगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ उन लोगों के कल्चरल प्रोग्राम अगर मिले तो हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो उन लोगों ने खुद ही बुला के लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गोरखा लोगों फेस्टिवल में डांस करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's have a bit of fun till I downfall, my love. होप नाम का एक बेकरी है, लगभग 140 साल पुराना है। 140 साल पहले 1880 के बाद में ये ब्रिटिश के उस जमाने में यहाँ पे ये था। ये दार्जिलिंग का सबसे पुराना दुकान है, बेकरी है। तो यहाँ से हम लोग सब होटल पहुँच गए उस दिन के लिए, काफ़ी थक गए थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले भाग में ज़रूर मिलेंगे, और एक भाग मिलेगा आप लोगों को दार्जिलिंग ट्रिप का, जो जो मैंने जहाँ जहाँ घूमा आप लोगों को शेयर करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ तीसरे भाग के।